दोस्तों, कभी कभी कोई जाना पहचाना कलाकार हमारी नजरों से अचानक ओझल हो जाता है। कभी कभी कोई निजी समस्या या काम की कमी कलाकार को लाइमलाइट से दूर बना देती है और एक दिन हमें पता चलता है कि वो कलाकार दुनिया को अलविदा करके जा चुका है। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई किस्से शामिल हैं जहां अपकमिंग आर्टिस्ट या जाने पहचाने चेहरे अचानक ही रुपहले पर्दे को छोड़कर चले गए। आज के हमारे इस वीडियो से हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने तमाम बड़े चेहरे के साथ काम किया, फिल्मी दुनिया में अपनी एक जगह बनाई और अचानक ही बेवक्त दुनिया को अलविदा कह गया। बात होगी 90s के उस विलेन की जो कभी अपनी बॉडी, लुक्स और एक्सप्रेशंस के लिए फेमस था, पर समय के साथ कहीं खोसा गया और आखिरकार उसका बेहद दर्दनाक अंत हुआ। अपने आखिरी वक्त में हमदर्दों और पैसों की कमी से जूझता बॉलीवुड का वो विलेन जो 90s की हर दूसरी फिल्म का हिस्सा हुआ करता था, वो और कोई नहीं, वो है गेविन पेकार्ड। कभी बॉलीवुड में अमूमन हर फिल्म में अपने खतरनाक लुक्स के कारण दिखने वाले गेविन अचानक ही फिल्मी चकाचौंध से दूर क्यों हुए थे? 2002 में आखिरी बार पर्दे पर दिखने वाले गेविन का अंत कैसा था? दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े इन तमाम जरूरी पहलुओं की, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। 8 जुलाई 1964 को गेविन का जन्म मुंबई के कल्याण के एक आयरिश ओरिजिन वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अर्ल पेकार्ड और मां का नाम बारबरा पेकार्ड था। गेविन के दादाजी एक आयरिश थे जो भारत में ही काफी पहले बस चुके थे। गेविन की मां एक कोंकणी महाराष्ट्रियन थी। गेविन बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थे, उन्हें फिल्मों का भी काफी शौक था। फिल्मों के साथ साथ उनको बॉडी बिल्डिंग में भी खासी दिलचस्पी थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गेविन ने नेशनल लेवल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कई पुरस्कार जीते थे। असल में बॉडी बिल्डिंग ही वो कारण बनी जिसके चलते गेविन बॉलीवुड की दुनिया में आसानी से आ गए। उन्होंने संजय दत्त के पर्सनल ट्रेनर के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को भी ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1988 में आई मलयालम फिल्म आर्यन से की थी। ये फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड थी। सन 1989 में गेविन ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया और इस तरह उनकी पहली हिंदी फिल्म थी इलाका। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस तरह गेविन जैसे हैंडसम विलेन के हाथों कई फिल्में लगी। उन्होंने 15 साल के करियर में लगभग 60 फिल्में की थी, जिनमें है कानून, त्रिवेद, जुर्म, थानेदार, पत्थर के फूल, सड़क, साथी, फतेह, अनाम, पहचान, दीदार, तिरंगा, चमत्कार, कैद में बुलबुल, एक था राजा, मुकद्दर, गद्दार, हलचल, जन्म कुंडली, करण अर्जुन, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, परदेसी, बड़े मियां छोटे मियां, शेरे हिंदुस्तान, लो मैं आ गया, कहर, यशवंत, भीष्म, शास्त्र जैसी फिल्में शामिल हैं। गेविन को आखिरी बार सन 2002 में सलमान खान की फिल्म ये है जलवा में देखा गया था। इसके बाद तो जैसे वो रुपहले पर्दे से गायब से हो गए थे। इनके यादगार रोल्स में पी पद्मरंजन की फिल्म में उनका किरदार और श्रीनिवासन में बेंजामिन ब्रूनो का रोल याद किया जाता है। गेविन की फिल्मी पारी को गौर से परखा जाए तो उन्होंने अधिकतर नेगेटिव रोल्स ही किए हैं। उनके खतरनाक एक्सप्रेशंस और अच्छी कद काठी ऐसे रोल्स पर बहुत सूट करती थी। बॉलीवुड के 15 सालों में गेविन दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ने में सफल रहे थे और फिल्म जगत में उन्होंने संजय दत्त जैसे सुपरस्टार से अच्छी दोस्ती भी की। उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो गेविन के दादाजी अमेरिकन आर्मी के साथ भारत आए थे। एक स्थानीय लड़की से शादी करके वो यहीं बस गए थे। इनके परिवार की तस्वीर पब्लिक डोमेन में अभी उपलब्ध नहीं है। गेविन 5 भाई बहन थे। इनके भाई बहन सभी लाइमलाइट से दूर रहते हैं, इसलिए उनकी भी तस्वीरें पब्लिक में मौजूद नहीं है। वो अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। पत्नी से अलग होना गेविन के लिए काफी दुखद था। उनकी पत्नी की भी जानकारी इंटरनेट पर अधिक उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम एरिका पेकार्ड और कामिली पेकार्ड है। कामिली संजय दत्त को अपना गॉडफादर मानती हैं। गेविन की दूसरी बेटी एरिका भी ग्लैमर फील्ड से जुड़ी हैं। अपने पिता की तरह वो भी एक आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक हैं। हालांकि एरिका का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, पर लक बाय चांस फैशन और ग्लैमर से वो जुड़ गई।
उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमाया है और कई बड़ी एजेंसीज के साथ काम भी किया है। गेविन की तरह ही उनकी फिटनेस भी तारीफ के काबिल है। एरिका का नाम शक्ति कपूर के बेटे से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि दोनों एक दशक के लंबे रिलेशनशिप में रह चुके हैं। गेविन के जीवन के अंतिम दिन अपने छोटे भाई दारुल पैकार्ट के साथ गुजरे थे। 2010 में गेविन का बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसके कारण वो बेड पर काफी टाइम रहे। इन सब के कारण उनका करियर पर फोकस करना मुश्किल हो गया था। अपने अंतिम दिनों में गेविन लंग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इस बीमारी से लड़ते लड़ते साल 2012 में महज 47 साल की उम्र में गेविन दुनिया छोड़ गए। उनकी मौत मुंबई में ही हुई और उन्हें बांद्रा में दफनाया गया था। उनके असमय जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर थी। जो एक्टर कभी बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना जाता था, उसकी स्थिति जीवन के अंतिम दिनों में काफी दयनीय थी। कभी तमाम बड़े अभिनेता संजय दत्त, सलमान खान, सुनील शेट्टी आदि के साथ जिम में पसीना बहाने वाले गेविन को अंतिम दिनों में शायद ही किसी ने पूछा था, ये बेहद दुखद है कि बीमारी से जूझकर बॉलीवुड का ये हैंडसम विलेन गुमनामी में ही दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी मौत पर संजय दत्त ने गेविन के आखिरी समय में उनके साथ न होने पर दुख जताया था। अब संजय गेविन की बेटियों का ख्याल रखते हैं और उनके साथ टच में है। तो दोस्तों, ये थी मशहूर विलेन गेविन के जीवन से जुड़ी बातें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।